बतौली विकासखंड के ग्राम चिरंगा में एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध है। जहां पूर्व में भी स्थानीय ग्रामीणों ने ग्राम चिरंगा में एल्यूमिनियम प्लांट नहीं लगाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया था। इस बीच दो दिन पूर्व प्लांट के लिए शेड निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गयी। कंपनी के कर्मचारियों ने 9 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद FIR बतौली थाने में दर्ज कराई है। गौरतलब है कि बतौली विकासखंड के ग्राम चिरंगा में एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। इस बीच ग्राम चिरंगा में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री की स्थापना का काम चल रहा है। इसका स्थानीय ग्रामीणों ने लगातार विरोध किया, इसके बाद भी यहां पर काम चालू है। वहीं कंपनी के कर्मचारियों ने बतौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उक्त भूमि पर लोहे टीने के शेड का निर्माण किया जा रहा है। इसी दौरान गांव के ही महेश लकड़ा, नंदलाल बड़ा, अर्जुन पैकरा, सियाराम बेग, धर्म साय बरगाहा, कौशल्या बाई, अनिता, सुमित्रा, सुखमनिया और अन्य महिला पुरुष ने लाठी, डंडे और हथियारों से लैस होकर गाली गलौज करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की। रिपोर्ट पर पुलिस ने 9 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर लिया है। इसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम नहीं देना चाहते हैं। उसमें कोई विवाद होता है, लड़ाई उड़ाई करता है क्या? लड़ाई कर रहा है हम लोगों से, महिलाओं से लड़ाई करता है। कौन? महिला लड़ाई कौन करता है? फैक्ट्री वाले। कहाँ बोलते हैं? बोलते हैं कि हम लोग लगवाएंगे ही लगवाएंगे। हम लोग कौन? ग्राम सभा भी तो हुआ था, बताते हैं। ग्राम सभा हुआ था लेकिन फर्जी हुआ था। मेरा सभी जो प्रतिनिधि लोग आए थे उनसे ये कहना था कि ये विषय मेरे सामने अभी पहली बार आया है कलेक्टर के रूप में, तो इसको एक फ्रेश तरीके से हम देखेंगे इसको, और जब तक कोई एक सॉल्यूशन नहीं आ जाता है, सॉल्यूशन का मतलब है जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं होती है तब तक आगे ही कोई गतिविधि ना की जाए।